अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म्स विजिट करने का मौका मिला। हमारे पुराने दोस्त हैं मिस्टर मुजफ्फर हुसैन जी, उनके सौजन्य से। और ये खेत में आने के बाद में तरह तरह के जो भी वैरायटीज़ है, मतलब क्रॉप कैसे कैसे लिया जाता है और ऑर्गेनिक तरीके से कैसे किए जाते हैं, वो देख के बड़ा बड़ा अच्छा लगा। मतलब इसमें काफ़ी सारे वैरायटीज़ उन्होंने डेवलप किए, शायद वो गन्ने के हो, या मोस्टली तो मुझे जो ज़्यादा पसंद आया कि ये जो साउथ इंडिया में होता था ज़्यादातर हर्ब्स और ये स्पाइसेस, और वो स्पाइसेस हम लोग विदर्भ में उगा रहे हैं और विदर्भ में उग भी रही है, ये देख के मुझे काफ़ी शौक भी हुआ और अच्छा भी लगा। जिससे कि विदर्भ के जो फार्मर्स, जिसकी आज समस्या है, सब लोग आत्महत्याएं करते हैं, तो आत्महत्याएं रोकने के डायरेक्शन में उनका जो काम चल रहा है कि उनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, उनके अलग अलग क्रॉप पैटर्न्स को कैसे चेंज की जाए और उनको इनकम, एक एश्योर्ड इनकम की तरफ ले जाने के बारे में उनका जो काम है, वो काम देख के बड़ा मतलब आनंद हुआ, खुशी भी हुई। और इतने बड़े प्रोजेक्ट में वो खुद पर्सनली ध्यान दे रहे हैं और पर्सनल ध्यान देने की वजह से इतना सब डेवलपमेंट हो रहा है। और उन्होंने उस जो जो डेवलप किया, मेरे ख्याल से इंडिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो लोगों के साथ में डिस्कस कर करके वो खुद भी एक साइंटिस्ट हो गए ऐसे लग रहा है, क्योंकि उनकी जानकारी तो मैं, मतलब हम लोग भी किसान फैमिली से आते हैं लेकिन हम लोगों को भी जो जानकारी नहीं है उनको उससे ज़्यादा जानकारी है और काफ़ी डीप में जानकारी है। मतलब जैसा आदमी लोगों का जो सिस्टम्स होता है वही सब प्लांट्स का भी होता है, वही सब एनिमल्स का भी होता है, वो सब ऐसा देख के काफ़ी मतलब जानकारी हमको अच्छा मिला और नॉलेज भी काफ़ी गेन हुआ। ये आज जो हमने विजिट करने का जो मौका मिला उससे हमारा भी ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई। और ये तरह तरह के जो उनके मॉडल्स हैं किसानों को आगे ले जाने के लिए और समाज को प्रबोधन करने के बारे में, ये काफ़ी मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव भी है और समाज की सेवा करने का एक अलग तरीके का एक काम है। वैसे भी समाज सेवा का काम तो पहले से ही करते आ रहे लेकिन इस ढंग से भी समाज सेवा हो सकती है, ये देख के भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। क्योंकि खेती बोलने से अभी सब जो ये बीड़ी चल रही है खेती से सब दूर भाग रहे हैं, और वो खेती की तरफ लोगों को अट्रैक्ट कैसे की जाए, उस डायरेक्शन में उनका जो काम चल रहा है वो काफ़ी मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इससे इनके जो मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं, अभी ये मॉडल्स डेवलप होने के बाद विदर्भ में जो किसानों की आत्महत्या होती है वो सब रुक जाएंगी, ये डायरेक्शन में उनका काम चल रहा है, तो वो देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैं मेरे मिसेज के साथ आज विजिट करने आया और उनका भी बैकग्राउंड खेती का है, उनको भी काफी अच्छा लगा, चाहे वो भी दो कुछ वर्ड बताएंगे इसके बारे में। नहीं, एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था कि इतना अच्छा उनका, मतलब ये जो खेत है और इतना टाइम हम लोगों ने दिया फिर भी हम लोग पूरा नहीं देख पाए, और उनका खेती के प्रति जो पैशन है वो पैशन देख के मैं तो काफ़ी प्रभावित हो गई हूँ। और एक चीज़ ये मुझे समझ में आ गई कि आज का यूथ खेती छोड़कर शहर की तरफ जा रहा है, जबकि वहाँ जाके भी वो कुछ कमा नहीं पा रहा है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप कम से कम जगह में इतने प्रकार के आप पीक और उत्पादन कर सकते हो और आपका आपका कैश का काफ़ी तरह बढ़ा सकते हो, तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की तरफ इनका एक प्रचार होना चाहिए, ताकि लोगों को पता होना चाहिए, लोग आएंगे, देखेंगे और सीखेंगे और अपना लाइफ बेटर बना सकते हैं, और जो हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है कि आज सारे लोग खेती छोड़ के नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, तो शायद ये जो चीज़ हो रही है जो सही नहीं है, शायद ये देख के बंद हो जाए। तो अस्मिता ऑर्गेनिक्स फार्म के विजिट के लिए हमको जो मौका दिया मिस्टर मुजफ्फर हुसैन जी ने, और उनका जो प्रोजेक्ट देख के मैंने जो बताया अभी उसके लिए, और उनके जो ये समाज की सेवा का काम जो है उसके लिए हम, मेरी और मेरी पत्नी दोनों की तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं, और मैं उनको ऐसा ही पूरा काम आगे ले जाने के लिए बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। थैंक यू।